शिवपुरी के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के धोलागढ़ में अज्ञात कारणों के चलते दो मासूम बच्चों की मौत हो गई। वहीं दो मासूम बच्चों की मां और उनकी बड़ी बहन का शिवपुरी के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। दो मासूमों की मौत के जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने मरकायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी। सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के धोलागढ़ गांव के रहने वाले मुकेश धाकड़ ने बताया कि बीते रात उसकी पत्नी सीमा ने कद्दू की सब्जी और रोटी बनाई, जिससे हम सब परिवार वालों ने लगभग रात्रि 9 बजे खाया। वह खाना उसकी सबसे बड़ी 4 वर्षीय रेनू ने भी खाया। उसकी दो और छोटी बच्ची थी, रिया 2 वर्ष और रुचिता 4 माह ने दूध पिया। इसके बाद सभी सो गए, परंतु रात्रि 12 बजे रिया को उल्टियां होने लगी, जिससे कुछ देर बाद उसकी सबसे बड़ी बेटी रेनू को उल्टियां होने लगी। दोनों बेटियों को उसकी माँ सीमा संभाल रही थी, किंतु सुबह 4 बजे से सीमा को भी उल्टियां होने लगी और सुबह होते होते सबसे छोटी 4 माह बेटी रुचिता को भी उल्टियां होने लगी, जिसके बाद वह धोलागढ़ के एक प्राइवेट डॉक्टर को घर लाया, जिसकी सलाह पर वह सभी को शिवपुरी के अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने 4 माह की रुचिता और 2 साल की रिया को मृत घोषित कर दिया। वहीं उसकी पत्नी सीमा और उसकी सबसे बड़ी बेटी रेनू को गंभीर हालत में भर्ती कर लिया, जिनका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार मुकेश धाकड़ पुत्र राजाराम धाकड़ सीमा को स्टाम मैरिज कर भोपाल के बेगमगंज इलाके के खेरी गांव लाया था। इसी दौरान सीमा के साथ उसकी एक बेटी जिसका नाम रेनू है, वह भी साथ आई थी। दरअसल सीमा के पहले पति की मौत हो गई थी और मुकेश की शादी हो नहीं रही थी, किसी रिश्तेदार के चलते यह रिश्ता बन गया। 3 साल से मुकेश और सीमा की 2 बेटियां रिया और रुचिता भी पैदा हुई। पति मुकेश और पत्नी सीमा का कहना है कि उनके बीच कभी कोई भी विवाद की स्थिति नहीं बनी, तो वह 3 वर्ष से हंसी खुशी से रह रहे थे। कौन हो आप? ताई दादी है। ताई दादी कौन है? आप दादी हो? क्या नाम है आपका? आमासिया। कहाँ से हो? धोलागढ़ से। प्रॉपर धोलागढ़ रहते हो? क्या हुआ था बच्चियों के साथ, मतलब कैसे करते? कुछ नहीं हुआ। बीमार थी क्या? था नहीं, थी बीमार भी नहीं थी, कुछ नहीं था। फिर इलाज के लिए लेके क्यों आए थे? कुछ नहीं हुआ तो? अरे ऐसे उल्टी कर रही है, ये उल्टी कर रही है, इसकी मम्मी 4 बजे से उल्टी कर रही थी, इलाज के लिए। उसकी मम्मी भी बीमार है। कहाँ है पति? कहाँ है? बाहर है। तो उन्हें नहीं पता क्यों भी वो क्यों उल्टी कर रही है, क्या हो गया रात में, क्या हुआ? किसी को ही पता नहीं, उल्टी कर रही रात में। हाँ उल्टी कर रही, तो हमने देखा ही वो। देखा डॉक्टर के पास में, दिखा है इसको, गांव के डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और इसको तो कुछ भी नहीं दिया, जब भी रास्ता में अच्छी थी आते आते खत्म हो गई। क्या बड़ी कौन सी है? ये बड़ी है। क्या क्या नाम है इसका? रेनू। रिया। 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 पिता का नाम इसके? मुकेश। उम्र क्या होगी इसकी? इसकी, इसकी रिया की 2 साल। और ये छोटी वाली? 4। उसका क्या नाम है? रुचिता। इसके पिता का नाम क्या है? मुकेश। मुकेश। उम्र कितनी हुई इसकी? 4 महीने। 4 महीने। एक ही तो खाना है। मैंने खाना खाया। हाँ। हो गई 8, 8.5। सभी लोगों ने सबका ना। सर तबीयत कब से खराब होने लगी इनकी? 12-1 बजे से बात। क्या पहले किसको उल्टी वगैरह हुई? मैं तो घर पे नहीं था सर, झूठ के बोलूँ। आप कहाँ गए थे? मैं बाहर सो गया था। अच्छा ठीक है। लाइट चली गई थी, थोड़ा बाहर चले गया था। हाँ वही 12-1 बजे में पहले मेरे हिसाब से छोटी बच्ची को हुई, तो मेरी वाली। नहीं आपको कब पता पड़ी? मेरी वाली को हुई थी। हाँ उसके बाद में बड़ी वाली को। हाँ फिर उसके बाद में हुई उसकी माँ को 4 बजे। हाँ सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे और उसको हुई थी सवेरे 6 बजे, छोटी वाली को। छोटी वाली। हाँ तो इतने गैप में आपको जगाया नहीं उन्होंने, कुछ बोला नहीं? अरे मैं थोड़ा कहा है और वो भैंस लगाने चला गया था उनको, मैं अभी नहीं कह दिया जा रहा हूँ। हाँ। जब तक मैं डॉक्टर बुला के लाया तो जब तक नहीं। डॉक्टर को कितने बजे बुला के लाया? डॉक्टर को लाया मैं 7 बजे बुला के। तो 12 बजे से लेके 6 बजे तक उल्टी थी, तो आपको किसी ने उठाया नहीं? आपने बोला नहीं? छोटे बच्चे कर भी देते हैं, थोड़ी सी जानेंगे कि ऐसा हो जाएगा आपके साथ। कोई कौन जानता? कोई भी नहीं जानता। तो आप जानते हो? कौन जानता? सही बात है। डॉक्टर साहब को लेके आके आप वही गए? मैं लेके आया था। अच्छा घर में लेके आया? कहा गया आप ले जाओ। उन्होंने कहा कि प्राइवेट गांव के ये तो क्या ना है? कोई तो कल दुकान से कोई राशन वगैरह लाए थे जिसको खाना बनाया? क्या खाना क्या खाया? खाना खाया था कद्दू की सब्जी थी बस, और दाल और रोटी थी। कद्दू और कुछ? किसने खाया था? किसी किसने खाया था? सबने खाया है हमने। कौन कौन? मम्मी, उसकी बच्चों की, बच्ची की मम्मी, 2 बच्चियों ने, और मैंने, और बुआ ने, मेरी ने। अच्छा, सामने शाम को साथ में वो दो, कितने? 4 माह की एक बच्ची है।
उसने क्या गाया कैसे उल्टी हुई पता नहीं कैसी हुई, क्या लग रहा है आपको? अब हमको क्या लग रहा है पता नहीं, वो तो ईश्वर जाने, हम क्या जाने, ईश्वर की मर्जी है। और उसने उसको हमको दंड देना था वो दे दिया। तो सिद्धार्थ का नहीं बोलता है, सिद्धार्थ तीन बेटी थी सबसे बड़ी, सबसे बड़ी रोती हुई है वो मरती है। उसका क्या नाम सबसे बड़ी का? रेनू। क्या उम्र है उसकी? उसकी 4 साल और रिया और रुचिता दोनों। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश, पिताजी का नाम राजा राम। कहाँ रहते हो? धौलागढ़। लड़की के पिता हुआ आप? क्या नाम है तुम्हारा? धीरे।